ये है वो करामाती सिंदूर, यही है उस मिस्ट्री का सबसे बड़ा सोल्यूशन। अब हम बताएंगे कि इसका करामात क्या है। इस सिंदूर में एक खास तरीके का केमिकल मिला हुआ है। जब भी कोई इंसान इस सिंदूर को अपने माथे पर लगाएगा, उस केमिकल से निकलने वाली जो खुशबू है वो उस इंसान के ब्रेन में जाके अफेक्ट करेगी। इस तरीके से वो अपना कमाल दिखाएगी कि वो इंसान भ्रम और सच्चाई के बीच का फर्क भूलने लगेगा। उसे समझ में नहीं आएगा कि उसके साथ हो क्या रहा है, और फिर उसके अंतर मन में जो भी उसके पुराने डर हैं, जो भी खौफनाक बातें हैं, किस्से हैं, वो उस पर हावी होने लगते हैं। उसे सब कुछ वो याद आने लगता है और वो सब उसकी आंखों के सामने चलने लगता है। और यही हुआ त्रिशा के साथ। त्रिशा जो है सुबह सज धज के तैयार होके माथे पर ये सिंदूर लगाकर घर से निकलती है। रास्ते में ये सिंदूर अपना असर दिखाना शुरू करता है। नतीजा त्रिशा को दिखाई देने लगता है नंदू। नंदू जिसके हाथ में चाकू है वो उसके पीछे भाग रहा है और उसे मारना चाहता है, और इस बार मार ही डालेगा। और ये डर, ये भ्रम और ये हेलुसिनेशन त्रिशा का कभी पीछा ही नहीं छोड़ता। हर बार घर, मार्केट, हर जगह उसके साथ यही होता आ रहा है, और यही हुआ आज सुबह भी। मुझे मार डालेगा। एक मिनट, क्या होगा? अच्छा, मतलब क्योंकि मैंने भी यही सिंदूर लगाया था, इसीलिए इस केमिकल का असर मुझ पर भी हुआ। मेरे भी सेंसेस ने काम करना बंद कर दिया था और मैं इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी ये सिंदूर की वजह से। बिल्कुल, ये इस सिंदूर में मिले हुए केमिकल का कमाल था। मतलब मैम, मुझे कुछ नहीं हुआ है? मुझे कोई दिमागी बीमारी नहीं है? हा? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम पूरी तरीके से निर्दोष हो। मैं ठीक हूँ। It's okay. तो फिर ये सब क्यों? नहीं मतलब, जाहिर है जिसने भी त्रिशा के सिंदूर में ये केमिकल मिलाया वो उसे पागल साबित करना चाहता था, मगर कौन हो सकता है? हमारी नजर में सारे जुर्म सिर्फ तीन ही वजह से होते हैं, गुस्सा, लालच और जलन। और अफसोस की बात ये है कि ये तीनों ही बातें हमारे किसी अपने से जुड़ी होती हैं। कि मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये किसी फैमिली मेंबर का काम है? हो सकता है मैडम सर, हमको तो त्रिशा जी आपका जो मर्द है ना, उन पर बहुत ज्यादा शक है। देखिएगा, इस सारे सब कारनामे के पीछे ना वही है। नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते। पति, सास, ननंद, जेठ, कोई भी हो सकता है। किसके मन में कब क्या चल रहा है किसे पता। पुष्पा जी, काम कीजिए, सबको बुलाइए, हम पता लगाते हैं। कैसे? एक प्लान है हमारे दिमाग में। एक्सक्यूज मी सर, आपने हमें यहाँ बुलाया? जी, हमने आपको यहाँ बुलाया है। मैडम, क्या हम जान सकते हैं आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? बिल्कुल, दरअसल हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी पत्नी को अब घर ले जा सकते हैं, पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हैं। नंदू नाम का भूत अब इन्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि नंदू से फिर नहीं दिखेगा? हम पर भरोसा रखिए, वैसा कुछ नहीं होगा। बम लगा के भूत को उड़ा दूं। आई एम बाबा रेड शीप। मैंने नंदू के भूत को इस बोतल में कैद कर लिया है। सर, ये क्या पैतरे चल रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है आपको? दीवान, जिन औरतों को आज तक देवता नहीं समझ पाया, आप मुझसे नादान बालक से क्या पूछ रहे हैं? मैडम, अगर ये सच बात है तो इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? मगर हम कैसे मान लें कि नंदू का भूत वाकई में इस बोतल में बंद है? मतलब तब तक हमें तसल्ली कैसे हो सकती है? संदेह, बाबा रेड शिप के टैलेंट पे संदेह। कुछ नहीं होगा, जल्दी कीजिए बाबा, भूत को पकड़े वरना किसी के अंदर घुस जाएगा। भूत नंदू, सत्ता नंदू, जी क्या कर रही है? इस औरत में, इस लड़की में घुस गया है। अरे कुछ कीजिए ना बाबा, मेरे पास भस्म है। हाँ। बहुत ही शक्तिशाली भस्म है, बहुत वर्षों की तपस्या से यह भस्म सिद्ध किया है। इस भस्म में गुलाल पानी मिलाने से सब कुछ, भूत का साया हट जाएगा। पानी लाओ। गुलाल लाओ, गुलाल लाओ, गुलाल 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 खत्म हो गया, गुलाल नहीं है। ये चलेगा? चलेगा 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 चलेगा। सर, क्या छछुंदर जैसा प्लान है, देखना पक्का फ्लॉप होगा।
देखे ना कितनी घटिया एक्टिंग कर रहे हैं लोग, दो मिनट में पकड़े जाएंगे। नहीं दीवान जी, प्लान तो ब्रिलियंट है बट होगा फ्लॉप भी। वो कैसे? बस बस देखते जाइए आप, देखिए भस्म सिंदूर तैयार हो गया। पुष्पा जी को लगा दिव्य भस्म। ये दिव्य भस्म सिंदूर देखो, अभी सिद्ध भस्म सिंदूर का कमाल। क्या हुआ? क्या हुआ था अभी हमें? पुष्पा जी ठीक हो गए, ठीक हो गए, ठीक हो गए, हम ठीक हो गए, हम ठीक हो गए, ठीक हो गए, ठीक हो गए, हम ठीक हो गए, हम ठीक हो गए। पुष्पा जी, बाबा जी भूत अभी भी आजाद है, किसी और में घुस गया तो? हाँ, घुसेगा नहीं घुसेगा, ये सिद्ध भस्म सिंदूर सब अपने अपने माथे पे लगा लो। हमको लगाइए, हमको लगाइए बाबा, रेड शिफ्ट। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा। कितनी देखा देखा देखा, ये चीजें इसी ने ना वो सिंदूर में केमिकल मिला हुआ है, इसलिए ना बोल रहा है। बाबा बाबा रेड शिफ्ट का इंसान। क्यों 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 नहीं लगाएंगे? क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। आपने नोटिस नहीं किया मैडम, ये नंदू का भूत सिर्फ फीमेल बॉडी पे अटैक करता है। हाँ। और अनजाने में ही सही, नंदू का दिल भी एक औरत ने ही तोड़ा था जो कि मेरी धर्म पत्नी ऋषा ने। इसलिए नंदू की दुश्मनी किससे है? स्त्री प्रजाति से है। हम मर्दों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ तो लॉजिक तो है, सिंदूर तो मैंने भी नहीं लगाया, मुझे क्या हुआ, मैं भी तो एकदम ठीक हूं ना। सर रोकिए, सबका बंदूक खा जाऊंगा बाद में। लगा 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 लगा। देखा देखा देखा, ये इन्होंने साबित कर दिया है अभी कि नंदू का भूत जो है औरत और मर्द के बीच में फर्क करता ही नहीं है। इसलिए जब तक ये टीका सबके माथे पर नहीं लगेगा, नंदू का भूत किसी में भी घुस सकता है। ये लगाइए लगाइए लगाओ लगाओ लगाओ, ये सिद्ध भस्म सिंदूर लगाओ। अरे नंदू क्या कर रहा है? अगड़ बम सिंदूर से मुझे एलर्जी है, मेरी तबीयत खराब होने लग जाती है सिंदूर से। देखो मेरी तबीयत खराब होने लग गई। अच्छा, सिंदूर से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी या इस बात से कि आप बहुत अच्छे से जानती हैं इस सिंदूर में क्या मिला हुआ है? क्या बकवास कर रही है आप? देखिए क्या है ना, आप चाहें तो अभी खुद का, हमारा, हम सब का वक्त बर्बाद कर सकती हैं, लेकिन हमारे पास आपके खिलाफ बहुत सारे और पक्के सबूत हैं। इसलिए आप सच बोलना शुरू करें तो अच्छा होगा। ठीक है, हम ही शुरुआत करते हैं। सच्चाई ये है कि इस सिंदूर में मिला हुआ है एक खास तरीके का केमिकल। आपका मतलब है कि उस केमिकल से आदमी ऐसी चीजें हेलुसिनेट करने लगता है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है? जी। नंदू जो दिख रहा था वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। बिल्कुल भी नहीं। और ये सारा काम किया है आपकी भाभी जी ने। क्या किया ये हम जानते हैं, क्यों किया अगर आप बता दे तो मेहरबानी होगी। क्यों किया आपने ऐसा, क्यों? मुझसे क्या गलती हो गई थी भाभी? आपको तो मुझ पर गर्व होना चाहिए था कि मैंने आपकी फैमिली के बिजनेस को डूबने से बचाया, उसे आगे बढ़ाया। सारी दिक्कत यही तो थी कि तेरे हाथ में बिजनेस और पैसों का कंट्रोल दे दिया गया, जिसका फायदा सिर्फ तुझे और तेरे पति को होता। औरतों का काम घर के मर्दों की सेवा करना है, ना कि उनके ऊपर हुकुम चलाना मालकिन बनकर। क्या बात, किससे क्या कहें, किस किस से लड़ें और कब तक लड़ें इस घटिया सोच से, जहां आप जैसी औरतें ही इस दकियानूसी मानसिकता को जकड़ कर बैठी हैं। ये जो बात है ना कि औरतों की खुद की कोई पहचान नहीं होती, वो तो बस मर्द की परछाई बनकर रहती हैं, उन्हें तो बस किचन में चूल्हा जलाना चाहिए, ये बेड़ियां इतनी ज्यादा पुरानी और जंग लगी हो चुकी हैं कि इन्हें टूटना ही होगा। लेकिन हम या दुनिया की कोई भी औरत कितना भी लड़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप जैसी औरतें इस घटिया सोच को पकड़ कर बैठी हैं। कौन सी दुनिया में जी रही हैं आप मैडम? अपनी रूढ़ीवादी मानसिकता से बाहर निकलकर देखिए, वक्त बदल चुका है।
आज के टाइम में औरतें घर के मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके बिजनेस में उनकी हेल्प कर रही हैं, हर काम में उनका साथ दे रही हैं। आप जानती हैं दुनिया के टॉप 5 बिजनेसमैन में से 2 औरतें हैं, वो भी तो किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी होंगी। जब वो अपने घर की सारी जिम्मेदारी उठाकर उस मुकाम तक पहुंच सकती हैं, तो घर की औरतें घर का बिजनेस क्यों नहीं चला सकती? आपके देवर ने तो घर का बिजनेस डुबा ही दिया था, उसे किसने संभाला? आपकी बहू ने। उड़ने के लिए उसे पंख दिया, अरे आप लोगों को बैंकरप्ट होने से बचाया है उसने। फिर भी उसकी काबिलियत का थोड़ा भी मोल नहीं है आपकी नजरों में? किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वो एक औरत है? ये तो बहुत ही गलत है ना मैडम। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दे बेटा। मिस्टर भरत, आप अपनी बीवी से जलिए मत। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको लाइफ पार्टनर के साथ साथ एक ऐसा बिजनेस पार्टनर भी मिला है जिस पर आप उतना ही भरोसा कर सकते हैं जितना कि खुद पर। Yes, you are absolutely right, sir. त्रिशा, मुझे माफ कर दो प्लीज। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। त्रिशा, come in the family now. मैडम, आपने हमारे परिवार को फिर से एक बार एक कर दिया, उसके लिए ये तो बनता है। थैंक यू। चले, चलो। ये कहाँ जा रही है? अरे बहुत अच्छे पुष्पा जी। अरे ये क्या हुआ? टेक्निकली ये केस हमने सॉल्व किया है तो स्कोर हमारा बढ़ना चाहिए। और नहीं तो क्या? अरे अगर हमने पजेस होने की एक्टिंग नहीं करी होती ना तो आपकी प्लानिंग की वहीं बैंड बच जाती हसीना मलिक। आप ही केस सॉल्व कर पाई हैं क्योंकि हमने आपकी हेल्प करी है। सुनिए, बस एंड में थोड़ा सा नाटक करने से ना पूरा केस आपने सॉल्व नहीं किया है, मेन काम हमने किया है। सिंदूर के बारे में सबसे पहले हमें पता चला था। सिर्फ पता चला था, उसे लगाने का आइडिया किसने दिया था आपको? मैं। अरे ये तो सरासर धांधली है। ये हक की बात है? कोई हक की बात नहीं है। अब आपको लग रहा है डर, अब आपको सच में हेलुसिनेशंस होने लग गए हैं कि ये थाना आपके हाथ से चला जाएगा, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, इसलिए आप ये ना सारी ओछी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन डोंट वरी, आपको ये हेलुसिनेशन हम सच करके बताएंगे, और वो भी किसी केमिकल मिले हुए सिंदूर के बगैर। अभी एक काम करते हैं। दिखाई नहीं देता है क्या तुमको? अरे माफ कीजिए, हमने देखा नहीं। माफ कीजिए, हमें पता नहीं था कि आप देख नहीं सकता। गलती आपकी नहीं मैडम, सब किस्मत का खेल है। लेकिन ये अच्छा है कि आप देख सकती हैं। वो तो आपने सही टाइम पे ब्रेक लगा दिया, वरना मेरी आंखों की ज्योति तो पहले ही गई हुई है, आज शायद जीवन ज्योति भी बुझ जाती। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने आपको पहले कहीं देखा है? कमाल करती है मैडम, कभी कहती है देखा है, कभी कहती है नहीं देखा है। अच्छा आइए, आपको छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा, आप खामखा क्यों तकलीफ करेंगी? अरे इसमें क्या तकलीफ का बात, आप आइए हमारे साथ, आइए आइए इस तरफ आइए। चलिए आइए, ये लेफ्ट में, इधर इधर आइए संभाल के। Thank you.
बस बस मैडम, मेरा घर आ गया। संभल के। माफ कीजिएगा, लेकिन आपको पता कैसे चला कि आपका घर आ गया है? यहाँ का हर मोड़, हर गली मेरे जहन में बसा हुआ है। ऊपर से ये इत्र की खुशबू, पिछले चौराहे से ही पता चल जाता है कि अपना आशियाना आ गया। संभल के जाइए। सर, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप जाना क्यों नहीं चाहते, कारण तो बताइए। दीवान जी, नहीं जाना तो नहीं जाना, हर बात का कारण थोड़ी ना होता है। मन नाम की भी कोई चीज होती है ना। नहीं है मन हमारा, नहीं जाना, हमें बात खत्म। सर, बंटी बाबा चाहते हैं कि मैं आपको कहूं, आपको कन्विंस करूं कि आप वहां पर जाइए, तो सर आपको जाना तो पड़ेगा। और ये भूलिएगा मत कि यहां पर मैं आपका जूनियर हूं, पर ट्रेनिंग पर। हाँ, गुरु रहे हैं हमारे, आपके अंडर हमने ट्रेनिंग ली है। दीवान जी, कितनी बार ब्लैकमेल करेंगे एक ही पॉइंट से आप। अरे सर, आप समझ नहीं रहे हैं, कब तक खाना पकाते पकाते आप खुद को पकाते रहेंगे? सर, जितना टाइम आप बर्तन धोने में लगाते हैं ना, अगर उतना ही टाइम आप मुजरिमों के पीछे लगे ना सर, तो हम कितने केसेस सॉल्व कर सकते हैं। सोचिए ना सर, अगर कोई घर पर होती जो सारा काम काज देख लेती, तो आप कितने अच्छे से ड्यूटी निभा सकते हैं सर, सोचिए। अरे दीवान जी, बजट नहीं है, हफ्ते में 4 दिन तो ये बैंगन बना रहा हूँ मैं, तो ये हाउसमेड कहाँ से अफोर्ड करूंगा मैं? मैं आपको पेड सैलरी वाली मेड लाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सोचिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वाली लाने के लिए कह रहा हूँ। बस आपको एक बार 150 रुपए का सिंदूर का खर्चा करना है। नहीं, आप खुद तो औरतों के खिलाफ है और हमें धकेल रहे हैं शादी के गड्ढे में। अरे दीवान जी, समझते नहीं है। पापा, मैंने सुना आजकल आपका बजट बहुत टाइट है, बहुत बुरा लग रहा है आपके लिए। थैंक्स फॉर योर कंसर्न बेटा। वो सब ठीक है, लेकिन मेरे स्कूल की ट्रिप की फीस भर देना। ये क्या, आज भी बैंगन की सब्जी? अरे बेटा, बैंगन हेल्दी होता है, खाओ इसे, आ जाओ। खा लूंगा, लेकिन 2 कंडीशन पे। कौन सी कंडीशन? पहली कि मैं स्कूल ट्रिप के लिए कोई बजट का बहाना नहीं चलेगा, और दूसरी आज शाम को आज मेरी स्कूल टीचर अवनी मैम के साथ डेट पे जा रहे हैं, अगर नहीं गए तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे, तो प्लीज जाइएगा। अब तो जाना ही पड़ेगा सर, 1 मिनट, ये पहन कर जाइएगा सर। देखिए, वैसे तो आप हीरो लगते हैं, ये पहनने के बाद आप सुपर हीरो लगेंगे, जाके बस तोड़ दीजिएगा, मेरा मतलब है छा जाइएगा सर। तोड़ दीजिएगा, छा जाइएगा, आप पाप से बाहर निपटता हूं मैं। सोर्सेस से पता चला है कि वो नंबर 1 स्मगलर ब्लैक कलर के जैकेट में आने वाला है, चौकन्ना रहिए। जी। गिरे ना तो छितरा देंगे एक ही। हिले ना तो छितरा देंगे एक ही। आप सुन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं, सवाल तो ये पैदा होता है, इस ड्रेस कोड में आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? इट्स ओके, समझ गया। देखिए, शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, और मुझे तो खुशी हो रही है आप लोगों को देख के कि आप खर्चा चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रही हैं। लगे रहिए, गुड जॉब। हम यहाँ मिशन पर हैं सर, बहुत बड़े तस्कर को पकड़ने आए हैं, उसकी घात लगानी है, इसलिए हमने ये रूप धारण कर लिया है। आपका कैसे आना हुआ लेकिन यहाँ पे? क्यों भाई, मतलब मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल है सर, आपका कोई पर्सनल लाइफ है।
तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। बस ऐसे मन किया कि बाहर जाके कुछ अच्छा खा लिया जाए तो आगे। हाँ यहाँ का खाना बहुत अच्छा है सर। तो अच्छा खाना सर्व करेंगी ना हमें? प्लीज हैव अ सीट सर। थैंक यू। हाय। Hi. Amar. I'm Avni. This is for you. Please have a seat. Thank you. थाने में तो सुपर कॉप बनते हैं और यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। अब मजा चखाते हैं इन्हें।